हाय केपी फैम, कैसे हो आप सब लोग। तो आज ना मेरा एक मेकअप शूट है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं थोड़े टाइम से मेकअप शूट्स वगैरह कर रही हूँ, है ना। तो आज मेरा एक और शूट है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ। लेट मी शेयर कि किस तरीके से शूट होता है एंड एवरीथिंग, ठीक है। आउटफिट वगैरह यूजुअली ना क्या होता है जब आप मेकअप शूट्स पे जाते हो ना, तो मतलब आउटफिट एंड ज्वेलरी सब कुछ उन्हीं का ही होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होता है। एंड आई एम नॉट लाइक अ पेड मॉडल, लाइक मैं मॉडलिंग वाला उसमें नहीं जा रही हूँ। लाइक होता है ना कि जो मॉडल्स होती हैं वो उनसे चार्ज करती हैं मेकअप आर्टिस्ट से, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं ना सिर्फ इसलिए कोलाब करती हूँ ताकि मुझे ना क्या हो कि मुझे भी अपने चैनल के लिए कंटेंट मिल जाए। आई डू नॉट चार्ज देम, ठीक है, बिकॉज मुझे वो मॉडलिंग वाली लाइन में जाना ही नहीं है। तो मुझे क्या हुआ ना, मुझे इस तरीके से ऑफर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार चलो अगर मैं एक्सेप्ट करती भी हूँ ऑफर तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्या हो ना मुझे भी एक थोड़ा सा कंटेंट मिल जाए अपने चैनल के लिए। अगर मैं 2 से 3 घंटा वहां रुक रही हूँ उतनी देर में मैं घर पर वीडियो शूट कर सकती थी, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वो जो वो पूरा लुक करते हैं ना वो कंटेंट पूरा शूट करूँ। तो कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो नहीं करते मैं उनके पास जाती ही नहीं हूँ, मैं उनके साथ कोलैबोरेट ही नहीं करती हूँ। बेसिकली इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन, ठीक है। वो मेरे ऊपर मेकअप लुक करते हैं, उनके भी कंटेंट मिल जाता है एंड मैं पूरा लुक जो है शूट कर लेती हूँ, तो मुझे भी अपने चैनल के लिए कंटेंट मिल जाता है। सो मैंने ना अभी थोड़ा देर पहले हेयर वॉश किया है, क्योंकि ना मेरे को याद है मेरे लास्ट के 2 शूट में ना मेरा 2 दिन पहले हेयर वॉश हुआ था एंड ना वो कह रहे थे कि बाल थोड़े से ऑयली, मेरी स्कैल्प बहुत ज्यादा जल्दी ऑयली हो जाती है। तो मैंने इसलिए अभी मतलब अपना हेयर वॉश किया थोड़ी देर पहले। अब तो लाइक मेरे हेयर पूरे ड्राई हो गए हैं, नीचे से ना कलर हल्का हल्का उतरना वापस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ अभी, मतलब क्योंकि मेरे को जाना है, मैं थोड़ा बहुत स्किन केयर करूंगी, ठीक है, बिकॉज ना ऑब्वियसली आपकी स्किन प्रेप होनी चाहिए। ऑल दो वो लोग करते हैं बट स्टिल उनके ना प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली वो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। तो मुझे ये होता है कि मेरी स्किन खराब ना हो जाए, इसलिए मैं अपना पहले अच्छा सा स्किन केयर करके जाती हूँ, ताकि अगर वो मतलब बाद में जो थोड़ा बहुत करें तो उतना मेरे को फर्क ना पड़े मेरी स्किन के ऊपर, ठीक है। सो आज जो शूट है ना, आज का शूट मतलब बहुत ही एक बोल्ड टाइप ऑफ लुक है, ठीक है। वेडिंग गेस्ट वाला कर सकते हैं, पूरा लुक तो आपको देखने को ऑब्वियसली मिलेगा ही। मैं आपके लिए पूरा का पूरा लुक जो है ना शूट करूंगी, आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द स्किन केयर। आज ना मैं एक बहुत ज्यादा ग्लोइंग टाइप ऑफ स्किन केयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरी ना स्किन जो है वो ग्लोइंग ग्लोइंग लगे, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव टू गो फॉर अ शूट। और मेकअप के अंदर अगर आपकी नीचे मतलब मेकअप के नीचे अगर आपका स्किन अच्छा नहीं है ना, स्किन ग्लोइंग नहीं है, तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगता। सो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माई स्किन केयर रूटीन विद यू गाइस। सो टुडे आई एम यूजिंग दिस सीका ग्लो रेंज फ्रॉम द ब्रांड डर्माको फॉर ग्लोइंग स्किन, जिसको आप एवरी डे बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। फर्स्टली हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 2% सीका ग्लो डेली फेस वॉश। इसको आपको अपनी वेट स्किन पर सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर लेना है एंड वंस यू आर डन विद इट, आपको सिर्फ अपने फेस को ल्यूकवॉर्म वाटर से वॉश करके पैट ड्राई कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 10% सीका ग्लो फेस सीरम फॉर ग्लोइंग स्किन, अगेन फ्रॉम द ब्रांड डर्माको। इसके आपको 3 to 5 drops अपने पाम पर लेके पूरे फेस पर इसको मसाज कर लेना है। अगेन आप इसको एवरीडे बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ है विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ हायलुरोनिक एसिड एंड एट द सेम टाइम ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोई स्किन भी प्रोवाइड कर देता है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 5% सीका ग्लो डेली फेस मॉइस्चराइजर। मैं इसको अपने फेस और नेक पर अच्छे से मसाज इन कर लूँगी एंड वी आर डन। ऑल्सो गाइस, ये जो तीनों प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर करे ना, दे आर 100% फ्रेग्रेंस फ्री। लाइक डर्माको जो है ना वो खुद ही अब 100% फ्रेग्रेंस फ्री है। तो जब भी आपको न्यू प्रोडक्ट ट्राई करते हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट कर रहे हो, ताकि वो प्रोडक्ट आपको रिएक्ट ना करे। एट द सेम टाइम ऑलवेज मेक श्योर टू यूज अ सनस्क्रीन आफ्टर डूइंग योर मॉइस्चराइजर और योर स्किन केयर रूटीन। सो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है या तीनों ही प्रोडक्ट बाय करना है, तो ये आपको मिल जाएगा ऑन Amazon, नायका, फ्लिपकार्ट एंड दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डर्माको। एंड अगर आप डर्माको की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर रहे हो, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, दैट इज स्टाइल्स 2022, तो आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा। ऑल्सो गाइज, अगर आप डर्माको से बाय करते हैं, यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ गुड कॉज, बिकॉज एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि एंड दे हैव लिटरली प्लेज टू एजुकेट 10,000+ स्टूडेंट्स अक्रॉस ईयर। सो ट्रस्ट मी, यू आर हेल्पिंग इन अ रियली रियली गुड कॉज, ठीक है। सो हमारा स्किन केयर हो गया, अब मैं क्या करूंगी, अपना आउटफिट चेंज करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इन घर के कपड़ों में नहीं जा सकती। आई विल जस्ट चेंज माई आउटफिट एंड शो यू गाइज कि मैंने क्या वेयर कर रखा है। ओके, सो लेट मी शो व्हाट आई एम वेयरिंग। सो ये ना टॉप है फ्रॉम Amazon, लाइक बहुत ही ना क्यूट सा टॉप है, एंड आई एम वेयरिंग दिस ट्राउजर्स फ्रॉम Zara, हाई वेस्ट ट्राउजर है, तो लाइक इट्स लुकिंग लाइक अ वेरी क्यूट आउटफिट। लेट मी जस्ट गिव यू अ होल लुक। मैं अपना फोन सेट कर देती हूँ। ओके,
दिस इज द ट्राउजर एंड दिस इज द टॉप एंड दिस इज हाउ द आउटफिट लुक्स लाइक। सो बस अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं, जस्ट गोना वेयर फुटवेयर एंड देन मैं निकलूंगी। सो दिस इज़ दी होल प्लेस गाइज जहाँ पर शूट हुआ था, ठीक है। एंड लाइक अगेन यू कैन सी माई आउटफिट। सो अभी मैं दिखाती हूँ कि मेरा जो एक्चुअल आउटफिट होने वाला है शूट के लिए वो क्या है। सो ये पर्पल से कलर का था गाइज। गॉट होम, रिमूव्ड माई मेकअप, लाइक मैंने मेकअप रिमूव किया, मैंने थोड़ा सा वहीं पर कर लिया था एंड देन जो रेस्ट ऑफ द आई मेकअप था वो मैंने घर आके रिमूव किया था। द थिंग आई एम वेयरिंग दी स्पेक्स, एक्चुअली मेरे को नंबर नहीं है, मैंने नॉर्मल यू नो स्पेक्स वेयर किया हुआ है। ये एक्चुअली जीरो नंबर का, द रीज़न बीइंग ना क्योंकि रिंग लाइट के आगे पूरा टाइम, लेट मी जस्ट रिमूव इट, रिंग लाइट के आगे पूरा टाइम रहना होता है एंड देन यू हैव टू एडिट दोज वीडियोज एज वेल। तो ना क्या होता है ना, आईज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है। सो आई यू नो वेयर द जीरो नंबर का स्पेक्स सो दैट मेरी आईज थोड़ी सी प्रोटेक्टेड रहे। ऑल्सो ना मेरे को क्या हो रहा था ना कि मैं ना लेंसेज लगाने में मुझे आई पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। सो मतलब मैं चेक करवाने गई थी एक्चुअली कि ना कहीं मुझे नंबर तो नहीं है आईज़ पे। मुझे ये था कि क्या पता मेरी आईज़ में नंबर हो और मैं विदाउट नंबर वाली लेंसेज लगा रही हूँ तो मे बी इसलिए मेरी आईज़ दर्द हो रही हो, बट नंबर नहीं था। दे सेड कि आपकी आईज़ ना थोड़ी सी ड्राई है, तो उन्होंने दे गेव मी सम ड्रॉप्स, अभी यहीं पड़े हैं, यहीं पर पड़े हैं, तो उन्होंने ड्रॉप्स दिए थे कि आप अपनी आईज़ में डाल लिया करो इसको, तो ना इससे आपकी आईज़ बिल्कुल सही हो जाएंगी, मतलब ड्राइनेस खत्म हो जाएगी तो वो दर्द नहीं होगा। लिटरली यार मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है अपनी आईज के अंदर। मेरा ना फेस भी बहुत ज्यादा डार्क लग रहा है आपको एंड क्योंकि ना लाइट बड़ी बेकार है यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डे बिकॉज एक तरह मेरे को कोल्ड हो रखा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। बस मस्ट बी वंडरिंग कि लाइक मैं इतने नवे नवे मेकअप ट्यूटोरियल्स कैसे लेके आई हूँ, वो भी मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू, तो वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी मॉर्निंग में, ठीक है। मेरे हेयर ना बहुत ज़्यादा इस टाइम बेकार हो रखे हैं क्योंकि हेयर स्प्रे वगैरह एवरीथिंग किया था। मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाऊंगी किस तरीके का मेकअप लुक टर्न आउट हुआ था, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली यू गाइज आर गना सी अ कम्प्लीट मेकअप ट्यूटोरियल। ऑब्वियसली मैं मेकअप लुक जो है वो पूरे पूरे शूट करती हूँ, सो उसका लुक तो आपको मिल ही जाएगा, ट्यूटोरियल है ना। एंड या अभी तो मैं खैर कुछ नहीं कहने वाली, मैंने आके बर्गर खाया था, देन मुझे और भूख लगी, देन मैंने मैगी भी खाई तो अभी मेरा पेट फुल है एंड अभी मेरा आइसक्रीम भी खाने का मन कर रहा है, तो आई विल सी। भले मेरा कोल्ड है, मुझे मेरी नाक बंद है इस टाइम पे, मेरे को ऑटोमेट डालनी पड़ेगी, स्टिल आइसक्रीम हम स्किप नहीं कर सकते, तो देखते अगर मेरी मम्मी मुझे आइसक्रीम खिलाएगी खाने देगी तो मैं खाऊंगी। आई एम डन शूटिंग, एक्चुअली दिस इज द नेक्स्ट डे, ठीक है, अगला दिन हो गया एंड आई एम शूटिंग। लाइक मैं आपको लाइन वाइज तीन दिन दिखा चुकी हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। आई शॉट दिस ब्यूटिफुल मेकअप लुक, आई डोंट नो ये इस वीडियो से पहले जाएगा या बाद में जाएगा, आई विल मेक श्योर कि ये पहले चला जाए तो ज्यादा बेटर है। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्लोज अप, आई डिड दिस ब्यूटिफुल कट क्रीज, यू नो ग्लोई समरी, क्या बोल सकते हैं इसको, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक एंड आई अप्लाइड लेंसेज। मुझे ना लिटरली लेंसेज लगाने नहीं आते, आफ्टर सो मेनी टेक्स ही मेरे से मतलब लग पाए, ठीक है, स्टिल आई समहाउ मैनेज टू अप्लाई देम क्योंकि ना मुझे आते नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट फटाफट लगा देते हैं, तो मुझे ये था यार लुक्स ऐसे शूट करना बहुत प्यारे लगते हैं लेंसेज, तो मैंने कहा यार मैं भी लगाऊंगी एंड दिस इज हाउ द लुक लाइक। लेट मी जस्ट म्यूट द टीवी बिकॉज पीछे से ना टीवी की आवाज़ें आ रही है। लेट मी जस्ट गिव यू यू नो दिखाती हूँ मैं आपको कि किस, लेट मी जस्ट गिव यू अ लुक कि शूट करने के बाद क्या मैस होता है, ठीक है। हेयर इज माई रिंग लाइट, दिस इज मेकअप, लाइक इट्स दो बॉक्सेज है बिकॉज मेरे को ज़्यादा शूट नहीं करना था, मैं सिर्फ वो मेन मेन मेकअप प्रोडक्ट्स ले आई थी। देन यहाँ पे ब्रशेज, दिस इज अ सेटअप जो स्टोर रूम में सेट होता है, जो आप डेली बेसिस पे मेरी वीडियोज में देखते हो ना। बट क्या हुआ ना, मेरे को मेकअप लुक क्रिएट करने में बड़ा ज़्यादा टाइम लग गया तो मैंने क्रिएट नहीं किया, मैंने और वीडियोस नहीं शूट करी। आई थॉट कि अब कल संडे है, मैं कल संडे को करूँगी। आई वॉज टायर्ड, प्रिटी टायर्ड, लाइक मेकअप लुक करने में ना जब मैं तसल्ली से कहती हूँ ना, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मेरे से फटाफट मेकअप लुक्स नहीं होते, लाइक यू कैन जस्ट टेक अ लुक, मुझे ये होता है कि मैं तसल्ली से करूँ, अच्छा सा लुक क्रिएट करूँ, है ना। तो या दैट इज इट, आज की वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप ये व्लॉग जो था ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, नहीं भी लगा यार तो भी प्लीज लाइक कर देना, मैं मसा मसा तो व्लॉग्स डालती हूँ, ठीक है। मैं बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं व्लॉग शूट करूँ क्योंकि मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रही हूँ। ये भगवान,
एक तो जब मैं शूट कर रही थी तभी सबको हॉर्न मारने होते हैं, भीड़े जानी होती हैं। मैंने कल लिपस्टिक लगाई थी अभी तक मेरे, एंड ऑल्सो मैंने ना अपने नेल्स छोटू से कर दिए, छोटू से, ठीक है। इस पर मैं नेल पेंट लगाऊंगी। आपने देखा होगा मैंने बीच में ना इसके ऊपर ग्लिटर ऑम्ब्रे किया हुआ था, बट वो बहुत दिन से था तो मैंने कहा नहीं हटा देते हैं। एंड जस्ट इग्नोर द मैस इन द रूम, आई नो बहुत ज़्यादा मैस है, ठीक है। नेचुरल लाइट में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है मेकअप। अब आप कहोगे अपनी तारीफ करी जा रही है, बट आई एम लिटरली लविंग द मेकअप। लेंसेज लगाने से ना मेकअप कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड या दैट इज इट गाइज, आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल मेक श्योर कि अगर ये वाला लुक मैं पहले अपलोड कर चुकी होंगी ना तो मैं इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दो, ताकि जब मैं ये वाला मेकअप लुक डालूं आपको खुद को खुद पता लग जाएगा कि मैंने ये वाला वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक डाला है, ठीक है। एंड या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।